उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहों के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा यह सब सामान्य राजनीति का हिस्सा है और इस तरह की अफवाहें कोई मायने नहीं रखती। उत्तराखंड की सियासत में कुछ दिनों से मुख्यमंत्री के बदले जाने की चर्चाएं राजनीति में हलचल मचा रही हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जा सकता है और भाजपा हाईकमान इसको लेकर जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है। वहीं इस सवालों को लेकर जब सीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सब तो चलता रहता है, और विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि कुछ लोग बौखलाहट में इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। क्योंकि वो लोग परेशान होते ही हैं और अपने परेशानी को इस रूप में बौखलाहट के रूप में इसको इस तरह से करते ही हैं। मैंने कहा कि ये सामान्य राजनीति में सामान्य चीज़ें हैं, कोई असामान्य चीज़ नहीं है। वहीं इस दौरान राजनीतिक विश्लेषज्ञ से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन करना अच्छा नहीं होता, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जब जरूरत पड़ जाए तो परिवर्तन करना भी पड़ता है। और बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में दो बार सत्ता में आई है और दोनों बार उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। अब बदले जाएं न बदले जाएं, ये उनके भीतर की बातें होती हैं, बड़ी गुप्त बातें होती हैं, ये तो वही जान सकते हैं। बार बार सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन कोई अच्छा संकेत नहीं होता है, लेकिन जब कोई परिवर्तन आवश्यक हो जाए, अपरिहार्य हो जाए, फिर वो करना भी पड़ता है। अब तक भारतीय जनता पार्टी की दो बार यहाँ सरकार रही है और दोनों बार में उसने बीच बीच में अपने मुख्यमंत्री बदले गए हैं। सीएम बदलाव की अफवाहें सूबे की सियासत में भले ही हलचल मचा रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन सब से बेफिक्र नजर आए और साथ ही बयानों के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा।